Simple English. No confusion. तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, इस साल की मोस्ट मच अवेटेड मूवी KGF यूनिवर्स को जो बूस्ट कर रही है प्रशांत नील का एक और फाइनेस्ट क्रिएशन KGF एंड KGF 2 के बाद जो सालार आने वाली है भाई, इसका ट्रेलर फटने वाला है 2 दिन बाद, यानी आज से तीसरे दिन में 1 दिसंबर को। सेम डे एनिमल मूवी आनी है और दोनों ही मूवी के डिस्ट्रीब्यूटर AA फिल्म्स हैं नॉर्थ इंडिया में, जो भाई तबाही मचाने को तैयार बैठी हैं। ट्रेलर में क्या क्या होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, किस हद तक ये ट्रेलर हो सकता है, क्योंकि डंकी जो इसके सामने आ रही है भाई साहब, इन्होंने अपने ड्रॉप 1 ड्रॉप 2 में बहुत कुछ रिवील कर दिया है कहानी से रिलेटेड कि मूवी में आखिर मिलने क्या वाला है। लेकिन सालार में अभी तक कुछ पता नहीं है कि क्या से क्या होने वाला है। क्या कैमियो भी हो जाएगा रॉकी भाई का, यानी अपने यस KGF के जो बॉस हैं अपने रॉकी भाई, तो सब देखेंगे, अभी एक एक करके चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सब ट्रेलर के लिए बहुत ही पागलपन छाया पड़ा है, फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस मूवी का, क्योंकि 28 सितंबर को ये मूवी रिलीज हो जानी थी पहले, देन पोस्टपोन हो गई किसी न किसी कारणवश से। अभी फुल फाइनल हो चुका है और 7:19 शाम को ये हमें ट्रेलर देखने को मिल जाएगा 1 दिसंबर को। भाई साहब, ट्रेलर में क्या क्या हो सकता है, देखो कुछ भी रिवील आउट नहीं करा है। सालार में क्या कहानी होने वाली है, क्या नहीं होने वाली है, किसी को कुछ भी आइडिया नहीं है, क्योंकि टीजर में हमें बस 20 या फिर 22 या 15 सेकंड तक का ही हमें प्रभास का सीन दिखाया गया था, जो फाइट करते नजर आए थे, और ऑनेस्टली बोलूँ तो ढंग से उनकी फेस तक रिवील नहीं कर रखा है टीजर में। तो ट्रेलर के लिए बहुत एक्साइटमेंट है, क्योंकि यहाँ हमें मेजर पार्ट ऑफ प्रभास यानी डायनासोर को देखने को मिलने वाला है। देन पृथ्वीराज सुकुमारन, क्या जबरदस्त ये बंदा नजर आ रहा है, उसका देखने को मिलने वाला है। देन जगपति बाबू, वो जबरदस्त विलेन के रूप में आ रहे हैं। क्या कैमियो में हमें रॉकी भाई देखने को मिलने वाले हैं, भाई सब सुनने में तो आ रहा था कि मिलने वाले हैं, ट्रेलर मतलब ट्रेलर में ही हमें रॉकी भाई की एक झलक देखने को मिल जाएगी। हु नोज, अगर ट्रेलर में ही ये रिवील आउट कर देते हैं तो भाई जो अभी सालार की यहाँ हाइप चल रही है, वो हाइप कब यहाँ पहुँच जाएगी, बहुत खतरनाक लेवल हो जाएगा। डंकी के लिए बहुत टफ हो जाएगा इस मूवी को लेवल में लाने के लिए, बीट डाउन करने के लिए। नो डाउट दोनों मूवी 1000 करोड़ का बिजनेस करके ही जाएंगी। देखा जाए तो डंकी अभी नंबर 1 पे चल रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ रिवील आउट कर दिया है, तो एक्साइटमेंट लेवल फैंस में अच्छा खासा है। सालार ने अभी इतना कुछ रिवील करा नहीं है, प्रशांत दीन ने कुछ अभी रिवील करा नहीं है, तो ट्रेलर से बहुत कुछ आइडिया लगने वाला है, बहुत मतलब एक्साइटमेंट जनरेट होगा, बिल्डअप होगा। देखते हैं क्या होगा 1 दिसंबर को। लेकिन साथ में USA में जो एडवांस बुकिंग चल रही है, ओवरसीज में जो एडवांस बुकिंग चल रही है, भाई तबाही चल रही है जबरदस्त लेवल पर, क्योंकि अभी मूवी को रिलीज होने के लिए मात्र 24 से 25 दिन बचे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर अभी से ही ओवरसीज में जबरदस्त एडवांस बुकिंग देखने को मिल रही है। नॉर्थ अमेरिका से USA से बताएं तो 306 लोकेशन पर बुकिंग चालू हो चुकी है, जो 1979 लोकेशन पर इस मूवी को रिलीज कराया जाएगा, जिसमें से 306 लोकेशन इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। 945 शोज आ चुके हैं इन्हीं लोकेशंस पर, 9,240 टिकट इन्होंने बेच दिए हैं वहाँ पर, ऑलमोस्ट 2.43 लाख $ को इन्होंने एडवांस से ही अपने खाते में रख लिया है। इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 2.04 करोड़ रुपीज़ के आसपास इनके खाते में आ चुके हैं एडवांस से ही, अभी 24-25 दिन पहले ही भाई साहब। तो जब ये मूवी की प्रॉपर एडवांस बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी 7-8 दिन पहले, क्योंकि बड़ी मूवी है, नॉर्मली होता है 5 दिन पहले एडवांस बुकिंग चालू होती है, लेकिन ये लोग 7 से 8 दिन पहले ही कर देंगे, तब देखना रुझान और ज़बरदस्त होने वाला है। मतलब फर्स्ट डे की ओपनिंग 100 करोड़ तो है ही है, इसके नाम तो है, साथ में डंकी भी है, तो भाई जेब बहुत ढीली होने वाली है, पब्लिक की जेब 22 दिसंबर को बहुत अच्छी तरीके से ढीली होने वाली है, क्योंकि इस मूवी के लिए भी वेट कर रहे हैं, देन उस मूवी के लिए भी वेट कर रहे हैं, देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन UK में भी रुझान खुल चुके हैं, 120 शोज UK में कवर अप कर लिया है और लगभग 6,500 के आसपास टिकट इन्होंने सोल्ड आउट कर दिया है। तो भाई ट्रेलर के लिए कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों के लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाएं। भाई मैं बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी रिवील नहीं कराया और इस मूवी का हाइप, इस मूवी का हवा इतना जबरदस्त बना पड़ा है कि क्या ही है इसमें। देखते हैं डायनासोर का कितना दम है, सीधा टीजर में तो बड़ा ही जबरदस्त निकाला था कि सिंपल इंग्लिश नो कन्फ्यूजन, देखते हैं ब्लॉकबस्टर होती ही नहीं होती है, सिंपल इंग्लिश नो कन्फ्यूजन ब्लॉकबस्टर चाहिए।